नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। कहा, पार्टी के विधायक करेंगे मुख्यमंत्री का चुनाव। साथ ही बोले, यूपी में बीजेपी को हर वर्ग ने वोट दिया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल आ गए हैं। बता दें कि सभी टीवी चैनल से बीजेपी को उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड के एग्जिट पोल में साफ साफ बहुमत दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब और मणिपुर में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। एग्जिट पोल के आने के बाद सभी राजनीतिक दलों की बयानबाजी शुरू। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त के अनुमान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीबीसी से बातचीत में संकेत दिया कि अगर परिणामों के बाद जरूरत पड़ी तो वो बीएसपी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को देश की शीर्ष संवैधानिक अदालत ने बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई दक्षिण कोरिया की पहले राष्ट्रपति हैं, जिनको अदालत ने पद से हटाया है। वहीं 8 सदस्यीय न्यायाधीशों पैनल ने पार्क के खिलाफ संसद के महाभियोग को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। सावधान कहने पर नाविक ने अपने सीनियर अफसर को जड़ा चाटा। झड़प रोकने के लिए नाविकों को हेलीकॉप्टर से किया एयरलिफ्ट। बता दें कि भारतीय नौसेना ने INS पर तैनात कुछ युवा नाविकों की ओर से कथित तौर पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश नहीं मानने के मामले में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट और फिर लखनऊ एनकाउंटर से जुड़ी एक रोचक जानकारी सामने आई है। दोनों घटनाक्रम के बाद पुलिस ने छापामारी कर कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में गिरफ्तार दानिश अख्तर और कानपुर से पकड़े गए फैसल और इमरान भाई हैं। यूपी के गाजियाबाद जिले में एक महिला ने गुस्से में आकर अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। बता दें कि महिला दिवस के मौके पर पति ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पत्नी को शिकायत थी कि उसका पति उसे वक्त नहीं देता। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेसी नेता ने अपने ही बेटे बहू का बनाया अश्लील MMS। बता दें कि आरोपी कांग्रेसी नेता पीड़िता बहू को MMS पोर्न साइट पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी भी दे रहा है। मैटरनिटी लीव को लेकर बिल लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस बिल के मुताबिक अब लीव 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने के निर्देश जारी हुए हैं। बिल के पास होते ही संगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को गर्भवती होने पर कई फायदे होंगे। निष्पक्ष वोटिंग कराने के बाद अब काउंटिंग में राजनीतिक दलों के आरोपों से बचने के लिए इस बार EVM को स्ट्रांग रूप से काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाने और फिर वोटों की गिनती के सारे काम की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। बता दें कि ये पहली बार है जब स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर के तमाम रास्ते पर CCTV कैमरे लगे होंगे। होली की तैयारी को लेकर लोगों की भीड़ बाजारों में जुटने लगी है। खरीदारों की भीड़ बीते वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। बता दें कि थोक कारोबार से जुड़े कारोबारियों के मुताबिक होली का बाजार इस वर्ष 70 करोड़ रुपए के पार जा सकता है, जो बीते वर्ष 45 से 50 करोड़ था। पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने CJM जाप इंदर सिंह की अदालत में क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई। अदालत ने समन जारी कर आरोपी रणइंदर को 6 जून को तलब किया गया। मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसला चांद फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। बता दें कि जुकरबर्ग ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें कहा कि मैं और प्रिसला बहुत खुश हैं, हम फिर से बेटी के होने की उम्मीद कर रहे हैं। जर्मनी के शहर डुसेलडॉर्फ के ट्रेन स्टेशन पर एक सिरफिरे ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। जर्मनी से आ रही शुरुआती खबरों के मुताबिक हमलावर के आतंकी कनेक्शन होने की बात कही गई थी। IPL के 10वें सीजन में किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल करेंगे। उन्हें मुरली विजय की जगह चुना गया है। बता दें कि किंग्स पंजाब ने पिछले सीजन के बीच में ही दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेविड मिलर को हटाकर मुरली विजय को कप्तानी सौंपी थी। अमिताभ बच्चन ने किया खुलासा। शोले का एक सीन शूट करने में रमेश सिप्पी को लगे थे 3 साल। वहीं बच्चन ने कहा कि हर बार जब भी उस सीन को करते लाइट के साथ कुछ परेशानी होती, और रमेश जी ने कहा कि जब तक हमें सही लाइट नहीं मिलेगी हम इसे शूट नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।